देखिए ये पेज लेआउट टैब है, ये हमने पूरा बता दिया था और ये सारे ऑप्शन से बता दिए थे, तो आ गए थे आप सभी को। ठीक है, तो हमने आपको ये प्रिंट वाले ऑप्शन ही बता दिए थे। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं आपके प्रिंट वाले ऑप्शन, क्यों? क्योंकि आप जो भी सीट बनाते हैं उसका प्रिंट आउट निकालते हैं आप, तो इसलिए आपको प्रिंट आउट के लिए जो भी सेटिंग रहती है वो करना आनी चाहिए। ठीक, ये वाले ये प्रिंट आइटम्स, तो इसके लिए पहले अपन ने जो सीट बना ली थी, मार्क सीट बिल वगैरह, वो निकालते हैं। तो फाइल पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे ओपन से आपकी जो भी फाइल थी वो ले लेंगे आप। यही थी, ये आ गया। अब जैसे कि ये मार्क सीट है आपके, आप इसका प्रिंट लेंगे, कंट्रोल प्लस पी किया आपने तो आप देख सकते हैं कहाँ तक आ रहा है वो आपका, परसेंट तक, मार्क सीट को परसेंट तक प्रिंट कर रहा है वो आपकी। और ये देखिए दो पेज में आ रही है आपकी विड्थ इसकी, नेक्स्ट लेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाए। अब आप यहाँ पे देखिए डिवीजन आपको पता चल रहा है कि किसकी कौन सी डिवीजन है? नहीं चल रहा पता? चलिए अपन चलते हैं बैक पेज ले आओ, प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन बतानी है, कोई एक सब कोई एक बताना, बताइए। कौन सा बताना? चारों बताने हैं। ये सीट वाला ही देखिए, यहाँ पे है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में क्या होता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो एरिया सेलेक्ट करना होता है जिसका आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ से, जैसे कि हम यहाँ से लेना चाहते हैं इतना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे वहां पे उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है ओनली उतने ही एरिया का प्रिंट आया है इसमें। ठीक है, अपन अब फिर से बैक चलते हैं। इसके बाद अगर आप कहीं और भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल की से प्रिंट करेंगे ना, तो उतने ही एरिया का प्रिंट लेगा जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं कि प्रिंट पूरा क्यों नहीं आ रहा है? तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है यहाँ पे, कि आप इस एरिया को अनसेलेक्ट नहीं करते हैं अगर आपको पूरा प्रिंट लेना है तो आप यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट मतलब इसे हटा देंगे सेल एड्रेस को। अब आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, देखिए कहाँ तक आ रहा है आपका, परसेंट तक आ रहा है। फिर नेक्स्ट सीट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, अपन यहाँ पे चलते हैं। देखिए कहाँ तक ले रहा है वो आपका, डिवीजन से रिजल्ट तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका यहाँ पे रोज टू एट रिपीट रो, मतलब आपका जो रो है, रो क्या रहती है आपकी, ये अब जैसे कि ये सीरियल नंबर है, आपको ये रिपीट कराना है, ऐसे आपने इस पर क्लिक किया, ये आपका सीरियल नंबर वाला, ये नेम, ये सारी रो आपको रिपीट कराना है, तो आप इसको सेल एड्रेस ले लेंगे यहाँ पे। इसका कॉलम रिपीट कराना, जैसे कि डिवीजन आपको पता नहीं चल रहा था कि किस स्टूडेंट की कौन सी डिवीजन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नाम लेना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं हर एक सीट पर, तो यहाँ पे आप सेल एड्रेस ले लेंगे। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ये रो मर्ज होगी तो पूरी सीट का ही सेल एड्रेस लेगा। तो देखिए आपकी ये मार्कशीट जो लिखा हुआ है वो रो आपकी मर्ज है, तो उसने पूरी सीट का ही सेल एड्रेस ले लिया है इसमें, हाँ ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हटा देते हैं, अपन इसको अनमर्ज करते हैं पहले, तो इस पे क्लिक किया और जहां से आपने मर्ज किया था वहीं पे क्लिक करके आप अनमर्ज कर देंगे। अब आप फिर से यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ तो रो आपको जो भी रिपीट करनी है रो सेलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। इसको जैसे कि हम ये मार्कशीट है, मार्कशीट रिपीट करनी है तो अपन ने इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे कॉलम, कॉलम हमें नेम वाला और रोल नंबर वाला रिपीट करना है, हमने दोनों सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए मार्कशीट लिखी हुई आ रही है, पहले नहीं आ रही थी आपकी, अब आ रही है क्योंकि आपने सेलेक्ट किया हुआ है ऑप्शन। बीच में चाहिए है, अगर आपको बीच में लेना है तो आपको जो भी कॉलम रिपीट करना है ना, उस कॉलम के अलावा आपको उसको मर्ज करना रहेगा सेल रो को, और उसके बीच में आप ले सकते हैं। अगर आपको जो भी कॉलम रिपीट करना है वो कॉलम आप मर्ज नहीं कर सकते, अगर आप वो कॉलम भी मर्ज करते हैं तो आपका फिर यहाँ पर पूरी सीट का सेल एड्रेस आएगा, जैसे अभी अपन ने किया था उस टाइप से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कहाँ तक ले रहा है आपको, परसेंट तक। अब आप नेक्स्ट सीट पे जाएंगे तो देखिए अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्कशीट लिखा हुआ आ रहा है, पर आधा आ रहा है, कट रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी सीट इतनी ही है यहाँ पे। देखिए अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि छाया नाम की जो पर्सन है उनकी सेकंड डिवीजन है,
मनी का नाम पे उनकी फर्स्ट डिवीजन है, और सप्ली वगैरह जो जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं नाम देख के। अभी आपके नाम रिपीट नहीं हो रहे थे, तो आप उसमें ये नहीं देख पा रहे थे कि रिजल्ट में कौन पास है कौन फेल है किसकी सप्ली, कुछ नहीं देख पा रहे थे उसमें आप, ठीक है? तो वो रिपीट करने के लिए रहेंगे, आ जाएगा। इसके बाद अपन इसी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इनका अपन ऐड ये हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स भी हमने बता दी थी आपको, ये ग्रिड लाइन ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट आता है आपका प्रिंट आउट उसके लिए। फिर यहाँ पे ये देखा, ये भी आप प्रिंट कर रहे हैं तो इस टाइप से आ रहा है आपका प्रिंट, कहाँ तक? परसेंट तक। अगर आप यहाँ पे प्रिंट आइटम्स पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, थोड़ा और लेंगे, वह आपका सेम ही बता रहा है इसमें, ठीक है? तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन आ जाएंगे। किससे? ये आपको खड़े के लिए, मतलब आपको लंबे में लेना है या इस टाइप से लेना है? ये जेड बना हुआ है उस टाइप से, देखिए देखिए, अगर आपको इस टाइप से लेना है, यहाँ से स्टार्ट होकर जाएगी यहाँ पे, ये एरो बता रहा है, और अगर आपको इस टाइप से लेने की, यहाँ से स्टार्ट हो गया जाए एंडिंग, उसके लिए रहता है ये, ठीक है? तो आ जाएगा। अब चलिए अपन यहाँ पे, अपन ने तीन शीट बना ली थी, मार्कशीट, बिल और प्रेजेंट लिस्ट, तीन हो गई थी आपकी। नेक्स्ट अपन यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करें। अब अपन बनाते हैं फीस स्लिप, ठीक? तो फीस स्लिप का प्रीव्यू, मतलब जो भी फॉर्मेट है आपका, वो आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हैं फीस स्लिप। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे मर्ज करते हैं तीन रो को। अब हमें ये तीनों रो मर्ज करनी, लेकिन ओनली रो में करना है, तो कैसे करेंगे? हाँ, नहीं, रो रहनी चाहिए, कॉलम हट जाने चाहिए। देखिए ये मर्ज ऑप्शन है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, आ रहा है मर्ज, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ओनली रो रो मर्ज हुई है, कॉलम नहीं हुआ। लेकिन अगर हम फिर से यहाँ पे मार्क्स करके दिखाते हैं, अगर आप इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? वो सभी रो और कॉलम को एक सेल में चेंज कर देगा आपके। लेकिन अपने तो ओनली रो रहे थे, कॉलम नहीं लेना था, तो इसलिए अपन यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन का यूज कर लेते हैं, ठीक है? अपन इसको अनमार्क्स कर देते हैं। अब यहाँ पे आप जिस भी इंस्टीट्यूट का बना रहे हैं उसका IOS नंबर लिखेंगे अपन, ISO। ये नंबर आपको दिया जाता है जब आप संस्था में मान्यता प्राप्त लेते हैं तो। अब हाँ, इसको हो गए कुछ दिन तो होगा, इसको मिनिमम 15 दिन तो हुआ है। ये वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, आप वहां से कवर कर लेना, और यहाँ नीचे लाइन में पूछ लिया कह रहे, यूट्यूब पे वीडियो डलती है पर डे की क्लास की। इसके बाद आप यहाँ पे नाम लिख लेंगे जिस भी इंस्टीट्यूट का है, और यहाँ पे आप किसी स्टूडेंट कोर्स नेम लिख देंगे, कोर्स नेम, ठीक है? कोर्स नेम में आप DCA की स्लिप बना रहे हैं या PGDCA की, जिस भी क्लास की स्लिप बना रहे हैं आप वो ले लेंगे, या फिर आप 10, 12 भी, मतलब प्रीव्यू आप जो भी फॉर्मेट है वो आप किसी भी टाइप का रख सकते हैं स्लिप का, बाकी फॉर्मूले जो रहेंगे वो आप देख लेना। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं PGDCA, ठीक है? PGDCA ले लिया, कॉमा लगाया अपन यहाँ पे MCU, MCU मतलब माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है अपने सेंटर, तो अपन ने वही लिख दिया। ब्रेकेट में हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है वो लिख देंगे, दोनों होते नहीं, एक क्वेश्चन मीडियम देंगे ना, जिसका हिंदी है वो हिंदी, जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश, ठीक? इसका साइज थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं, और इतने एरिया में अपन ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे हमारी ये नहीं बन पाएगी, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और थोड़े थोड़े यहाँ पे इनका साइज बड़ा कर देंगे, ठीक है? तो थोड़ा आपको ठीक रहेगा। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मर्ज करते हैं इतने एरिया को।